मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। इन दिनों मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक प्रथम खंड सत्र 2016 से 19 तक छात्र छात्राओं की परीक्षा है प्रारंभ, लेकिन छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन एडमिट कार्ड साइबर कैफे से निकालने पर किसी का नाम गलत तो किसी का हस्ताक्षर। वही दूसरी तरफ एक छात्र के साथ जिसके फोटो के बदले गणेश जी का फोटो लगा हुआ है और हस्ताक्षर भी गणेश जी के नाम से ही था। कोजगड़ा पर्व को लेकर नव विवाहिता वर वधु को माछ पान और मखान भेंट की जाती है, जहां इस पर्व को लेकर बाजारों में देखी गई काफी चहल पहल। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में वित्त समिति की बैठक की गई आयोजित, वहीं जिसमें इस बैठक में कुल सचिव FAFO सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। गुरुवार को वार्ड नंबर 48 का किया गया सर्वे, जिसमें माली नगर पंडासराय में गंदगी को लेकर कई घरों में देखी गई समस्या। गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय से प्रेस वार्ता के दरमियान ठेके पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने वेतन का भुगतान पर कटौती एवं असमय भुगतान के बारे में दी पूरी जानकारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर गुरुवार को हजारों किसानों एवं मजदूर महिला ने दरभंगा जिला संवाददाता के कार्यालय को सुबह 11 बजे किया घेराव। गुरुवार को जिलाधिकारी कक्ष में लोक शिकायत निवारण की अपील की सुनवाई की बैठक की गई आयोजित। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन नगर कमेटी दरभंगा के तत्वावधान में 14 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को धरना स्थल से आक्रोशपूर्ण निकाला गया जुलूस। झंझारपुर निबंधन कार्यालय के कातिब कार्यालय के नजदीक लोहिया JP कर्पूरी समता परिषद व JP लोकतंत्र सेनानी संगठन की संयुक्त बैठक की गई आयोजित। झंझारपुर SDO विमल कुमार मंडल ने मधेपुर प्रखंड के 8 दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का किया वितरण। क्योरी थाना क्षेत्र के असराहा गांव निवासी मोहम्मद रहमत के आवेदन पर गांव के ही मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद अरवाज के खिलाफ छेड़खानी की FIR कराया गया दर्ज। झंझारपुर सर्किल इंस्पेक्टर सनोवा खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई क्राइम मीटिंग, वही इंस्पेक्टर कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित क्राइम मीटिंग में झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान मधेपुर भेजा झंझारपुर RS रुद्रपुर अंधरा ठाठी एवं लखनऊ थाना अध्यक्ष रहे उपस्थित। झंझारपुर NH 57 की कन्हौली ओवरब्रिज के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। क्योटी थाना के हनुमानगर गांव में सरकारी चापाकल से पानी भरने को लेकर हुई मारपीट में श्याम पासवान की पत्नी रेखा देवी हुई घायल, वहीं घायल रेखा देवी का इलाज CSC क्योटी में किया गया। भाकपा माले का झंझारपुर अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया झंझारपुर में, वही सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड मुख्यालय पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का किया गया प्रदर्शन। बहादुरपुर पतोर थाना क्षेत्र में रात्रि एक ऑटो से 4 बोतल विदेशी शराब 375 ml के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, जिसमें 3 व्यक्ति खेत की और भागने में रहा सफल। कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर घनश्यामपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में। वहीं दूसरी तरफ लगमा गांव के लोग नाव के सहारे कर रहे हैं आवाजाही। लगमा गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कई जगह हुआ क्षतिग्रस्त। घनश्यामपुर में खेतीबाड़ी के समय में खेत में पानी भर जाने से रबी बुआई पर मंडराने लगा खतरा, वहीं खेत व बाग बगीचों के डूबने से पशु चारा का संकट हुआ उत्पन्न। मधुबनी जिले के फुलपरास के सिसवा बढ़ी में धूमधाम से हुआ दुर्गा पूजा, जहां 4 अक्टूबर की शाम मां दुर्गा की प्रतिमा का किया गया विसर्जन।